स्टोरी ऑफ फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, भारत की पहली ट्रेन की अनसुनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ब्रेन ग्लो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक जमाना था जब इंसान पैदल सफर किया करता था। जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की हुई, वैसे वैसे इंसान का सफर आसान बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में घोड़े और बैलगाड़ी पर सफर किया जाता था। इस क्षेत्र में इंसान ने असली तरक्की तब की जब वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार किया। इंजन बनाने के बाद मोटर गाड़ियाँ, ट्रेन एवं अन्य यातायात का जन्म हुआ। आज दुनिया में तेजी से सफर करने के लिए हवाई जहाज, बुलेट ट्रेन जैसे यातायात साधन मौजूद हैं। इस साधनों के मदद से हजारों किलोमीटर की सफर कुछ ही घंटों में तय किया जा सकता। आज हम जो भी यातायात के साधन देखते हैं, उनको बनाने के पीछे सैकड़ों सालों का मेहनत छुपी हुई है। आज की वीडियो में हम रेल के इतिहास के बारे में जानेंगे। आपको पता ही होगा हमारे भारत देश के रेल नेटवर्क कितना बड़ा है। दुनिया के नज़रिए से देखा जाए तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद हमारा भारत का नेटवर्क चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आंकड़ों को बात करें तो हमारे नेटवर्क 1,23,542 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे व्यस्त नेटवर्क कहलाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर रोज लगभग 24 करोड़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं। भारतीय रेल का सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला विभाग है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय रेल नौकरी देने वाला 8वीं स्थान पर है। मार्च 2019 के रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में भारतीय रेल में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 13 लाख थी। भारतीय रेल का इतिहास 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जिस समय भारत रेल की शुरुआत हुई, उस समय भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस समय के भारतीय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत को रेल में लाने की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी साल 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर रहे। इन्हीं सालों में रेल आने की शुरुआत हुई थी। साल 1832 से मद्रास के अंदर पहली बार भारत में रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 5 साल कड़ी मेहनत के बाद 1837 में भारत के अंदर पहली ट्रेन चलाई गई थी। भारत की पहली ट्रेन रेड हिल लाल पहाड़ी से चेन्नई के चेन्नाद्री पीठ तक चलाई गई थी। इसमें स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया था। इस ट्रेन का प्रयोग मद्रास में बन रहे रोड के इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए किया गया था। इसका नाम रेड हिल रेलवे रखा गया था। साल 1845 में गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन में रेलवे का निर्माण किया गया था। इस ट्रेन का इस्तेमाल गोदावरी में बन रहे डैम में प्रयोग होने वाले पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए किया गया था। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल का इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। इसी दिन भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। देश की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वहां से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। पहली ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर सफ़र कर तय किया था। भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की एक बड़ी उपलब्धि थी। पहली ट्रेन के भाप इंजन के जरिए चलाया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।